और आप देख रहे हैं SPN9 न्यूज़। यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी कि समान नागरिकता कानून, जिसको लेकर घमासान छिड़ा हुआ है। यहाँ पर लगातार पक्ष विपक्ष की बात देखी जा रही है। एक तरफ कहा जा रहा है कि इस कानून के आने के बाद सभी को समान तरीके से देखा जाएगा, समान अधिकार होंगे और समान नियमों के तहत ये कानूनों को मानना पड़ेगा। लेकिन दूसरी तरफ कुछ लोगों का ये कहना है कि यहाँ पर ये मुस्लिम विरोधी बिल है। इस बिल को लाने का मकसद सिर्फ इसलिए है कि मुस्लिम समुदाय को टारगेट किया जाए और चुनावी माहौल को देखते हुए इस बिल को लाया जा रहा है। अब ऐसे में सिर्फ UCC पहला कानून नहीं है, इससे पहले CNRC का मुद्दा भी उठा था, जिसमें यह कहा गया था कि यहां पर कुछ बांग्लादेशी घुसपैठिए हमारी सीमा से अंदर आ चुके हैं और उन्हें निकालने के लिए हमें कुछ ऐसा कानून बनाना पड़ेगा जिससे ये तय हो जाए कि एक समय निर्धारित किया गया था, एक सन निर्धारित किया गया था, अगर उसके आधार पर अगर आपके पास दस्तावेज नहीं है तो आपको यहाँ पर देश में इलीगल तरीके से देखा जाएगा और एक तरीके से देश से बाहर कर दिया जाएगा। जिसको लेकर ये देखा गया कि ये फिर से मुस्लिम विरोधी बिल था, मुस्लिम विरोधी कानून था, जिसको लेकर शाहीन बाग में लंबा प्रदर्शन चला। ठीक उसी तरह से अब यहाँ पर यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर मसला उठता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पर AIMIM असदुद्दीन ओवैसी ये कहते हुए नजर आते हैं कि हमें खुलकर विरोध करना चाहिए, तो वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर गुलाम नबी आजाद की बात की जाए, जो लगातार भारतीय जनता पार्टी का समर्थन करते हैं, खुद मुस्लिम हैं और जो यहाँ पर कांग्रेस के विरोध में खड़े होते हैं, वो आज भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बोलते हुए नजर आ रहे हैं और अनुच्छेद 370 के मुद्दों को लेकर ये कह रहे हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड इतना आसान नहीं है कि इसे आप लागू कर देंगे। क्या कुछ गुलाम नबी आज़ाद कह रहे हैं, देखिए इस रिपोर्ट में। वो तो सवाल ही नहीं, ये उतना आसान नहीं है जितना आर्टिकल 370 को ख़त्म करना था। इसमें सब मजहब है, न सिर्फ मुसलमान है बल्कि इसमें सिख हैं, ईसाई हैं, इसमें ट्राइबल हैं, इसमें जैन हैं, इसमें पारसी हैं। तो इतने लोगों को एक वक्त में नाराज़ करना किसी भी सरकार के लिए अच्छा नहीं होगा और मेरी सलाह इस गवर्नमेंट को हो कि ऐसा कदम उठाने की। जैसा कि आपने सुना, सीधे तौर पर क्या अब गुलाम नबी आज़ाद अपना रुख भारतीय जनता पार्टी से अलग हटाते हुए नजर आ रहे हैं, क्या कांग्रेस की तरफ फिर से जाते हुए नजर आएंगे, क्या है आपकी राय तमाम मुद्दे को लेकर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।